पैटर्सन एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टार्टिंग में मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मैं हूँ नव। तो अभी मैं आपको ऑटोकैड सिखाऊंगा, समझाऊंगा इसमें सब कुछ जो जो मुझे 5 साल में प्रॉब्लम आई है कि जब मैंने कंपनियों में काम किया है और मैं फ्रीलांसिंग भी काम करता हूँ, आपको उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो हमने बहुत सी कंपनियों के साथ, हमारी टीम एज ए थर्ड पार्टी काम कर रही है। जब भी उनको कोई प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन में या कोई मटेरियल में, तो हम उसको वो प्रॉब्लम का सलूशन प्रोवाइड करते हैं और ड्राइंग्स बनाते हैं, जैसे 3D प्रिंटिंग करते हैं, कटिंग सब कुछ। तो अभी हम आपको ऑटोकैड समझा रहे हैं, मतलब सब कुछ इसमें समझाएंगे। जो जो आप कभी किसी कंपनी में काम करोगे तो वहाँ पे वो आपको प्रॉब्लम आएगी। हमारे इस कोर्स में आपको एक सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा कि जो दूसरे लोग हैं जो आपको समझा रहे हैं, उन्होंने ऑटोकैड सीखा है और समझा रहे हैं आपको, और उनको ये नहीं पता कि कंपनियों में जब काम करोगे तो क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, उनको नहीं पता इसके बारे में। मुझे 5 साल हो गए हैं सॉफ्टवेयर ये सब यूज़ करते हुए, और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं वो आपको सब कुछ बताई जाएंगी, और उसका क्या क्या सलूशन कैसे निकालना है सब कुछ। जब आप ऑटोकैड खोलोगे तो ऐसा दिखेगा आपको, सिंपल। जब आप स्टार्ट ड्राइंग करोगे तब ये स्टार्ट ड्राइंग, यहाँ ओपन फाइल्स, आपको पता है कोई भी आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया हो, आपने प्रोजेक्ट बनाने हैं अब, तो यहाँ से ओपन करोगे ऑटोकैड फाइल। ऑटोकैड फाइल जितनी भी ऑटोकैड फाइल होती है वो DWG में .DWG में सेव होती है एक वैसे, और यहाँ पे रीसेंट जो भी होगा आपका डॉक्यूमेंट खुला होगा वो होगा, जो भी आप नॉर्मल एक्सेल यूज़ करते हैं सब कुछ वैसे। यहाँ पे फिर मेन स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्ट करने में यहाँ पे टेम्पलेट भी चेंज कर सकते हो। ओके, कभी कभी यहाँ पे लेयर्स में, लेआउट में भी काम होता है, लेआउट में ऐसा रहता है, पर हमने लेआउट में काम नहीं करना है इसलिए यहाँ पे काम करेंगे। ये चीज़ें आपको मैं बस बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें क्या होती हैं। आप ये देखो, ये लाइंस कमांड होगी अपनी, ये अपना ड्राइंग जो ड्राइंग के लिए यूज़ होगा, जैसे लाइन ले ली हमने पॉली लाइन के लिए, जैसे सर्कल या मॉडिफिकेशन के लिए, जैसे हमने इसको मूव करना है किस पॉइंट से, ये एनोटेशन के लिए, एनोटेशन के लिए डिमेंशन टेक्स्ट देना हो, व ये लेयर्स, लेयर्स कितनी इम्पोर्टेंट है। आप जब कंपनी में किसी काम करोगे, मतलब लेयर्स का तो काम ही लेयर्स पे होता है सारा। तो बाकी प्रॉपर्टीज, बाई प्रॉपर्टीज वाला काम तो मतलब बहुत ज़्यादा, और मैच प्रॉपर्टी तो भाई यूज़ होनी ही होनी है, मतलब ये होती ही होती है। क्योंकि होती है ये आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि वो जो सिखा रहे हैं उन्होंने खुद कभी कंपनी में काम नहीं किया, उनको पता ही नहीं यार। एक छोटी सी चेंज भी करना हो ना ड्राइंग में, तब भी उसका रिवीजन बना जाता है, जो मैं लास्ट में आपको समझाऊंगा कैसे कैसे जब किसी कंपनी में काम करोगे तो क्या क्या होता है। ये अपना, ये अपनी सारी ड्राइंग एरिया है। ये यहाँ पे कमांड आएंगी, देखो जैसे आप एल एंटर करोगे
तो ये नीचे नीचे बताता रहता है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपने चलाई हैं, यूज़ की हैं। ये भी आपको समझा दूंगा इसमें सेटिंग जाने के लिए सब कुछ, 3D मॉडलिंग में काम करना हो तब। और एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम लेते हैं एक सर्कल, ये इसमें 3D मॉडलिंग में काम करते हैं थोड़ा सा, वैसे ही मतलब आपको समझाने के लिए। इसको एक्सट्रूड कर देते हैं, देखो ये ऐसे आ रहा है। हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं हम यहाँ से शेडेड नहीं कर सकते, पर ये देखो हिडन लाइन, यहाँ आइसो है, आइसो में बॉटम देखना हो हमने, बॉटम व्यू कैसे दिखता है, ये चीज़ें आप लिखते रहो क्योंकि मैं एक आपके काम आने वाली हैं। हाँ लोग सही बात है यहाँ से यूज़ करते हैं, पहले मैं भी यहाँ से यूज़ करता था स्टार्टिंग में, फिर यहाँ से चेंज करना पड़ता है, हिडन लाइन देखनी है तो ये। चलो हम अभी 2D में काम कर रहे हैं तो 2D में करते हैं इसको, करते हैं डिलीट। देखो ये एक्स ये वाई, आपको पता है इस जो ये है नेविगेशन बार है, ये चीज इसको मुझे ज़रूरत पड़ती नहीं है कभी, आज तक तो पड़ी नहीं इसलिए मैंने हटा दिया। यहाँ आपने पढ़ा होगा ये एक्स है ये वाई है, आपके लिए एक फ़ोटो रखी है मैंने, ये देखो एक्स इधर प्लस में रहेगा इधर माइनस में, वाई इधर प्लस में इधर माइनस में। और इसके लिए थोड़ी एग्जांपल, ये देखो यहाँ एक्स पहले आएगा वाई बाद में, इसमें ऐसे रहेगा। तो ये चीज़ें हैं, आप को ये सब कुछ अभी मैं समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम एक एक डॉट DWG, इसमें ही सेव होगा। हाँ अब एक और चीज़ मैं आपको समझा दूँ, आप किसी और सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, देखो मेरे पास क्रियो है, फ्यूजन 360 है, ये की शॉट है, मस्त है ये सॉफ्टवेयर। मतलब आप सोच सकते हो कि कोई चीज़ मंगवाते हो आप, ऐसा लगता है कि यार जब फ़ोन में देखते हो यार वाह यार कितनी बढ़िया चीज़ है ये चीज़, पर जब एक्चुअल में आता है तो ऐसा लगता है यार ये क्या बना दिया यार ये क्या था। वो ये ऐप करते हैं ऐसे की शॉट जैसे ऐप, मतलब ये मतलब सोच लो मेकअप वाला है, गंदी सी चीज़ भी बढ़िया दिखाने लग जाते हैं, ऐसा है। चलो ठीक है हम स्टार्ट करते हैं, मेन हम पॉइंट पे आते हैं।